शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। काली जेल से भागने में कामयाब हो गया है। शहर की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी जाए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, हर जगह पुलिस बिठा दी जाए। शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी को चेक किया जाए। काली शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आई वांट काली एट एनी कॉस्ट। आगे बढ़ो। क्या है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? होम मिनिस्टर का खूनी काली जेल से भाग गया है, इसलिए चेक कर रहा हूँ। इसमें क्या चेक करना, इसमें तो कचरा भरा है। छी छी, क्या गंदगी भर रखी है। चलो आगे बढ़ो। क्या बदबू आ रही, चलो चलो आगे बढ़ो। ऑटो डेविड कॉलोनी। जी हाँ बैठिए। वेट वेट, फादर क्या मुझे डैनियल के बारे में बता सकते हैं? डैनियल इस वक्त मिनिस्टर ललन यादव की बर्थडे पार्टी में गया हुआ है फादर। हाँ फादर, डैनियल ने मुझे भी इनविटेशन कार्ड दिया था मगर मैं नहीं जा सका। अगर आपका डैनियल से मिलना बहुत जरूरी है तो मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ, आप वहीं जाकर उससे मिल लीजिए। यस माय सन, मेरा मिलना बहुत जरूरी है।
एक्सक्यूज मी फादर, बिना तलाशी लिए आप अंदर नहीं जा सकते। यस माय सन, हालात यकीनन खराब हो गए। पहले जब कोई नेता अपना जन्मदिन मनाता था तो सारे भारत के किसानों और जवानों के हाथों में गुलाब के ताजे फूल हुआ करते थे। आज ऐसा लग रहा है जैसे लल्लन यादव का जन्मदिन नहीं बल्कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। सॉरी फादर, दरअसल पिछले दिनों जो होम मिनिस्टर साहब का काली के हाथों खून हुआ था, ये मंत्री जी उस खून के चश्मदीद गवाह हैं। काली से मंत्री जी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए सरकार ने इनकी हिफाजत के लिए यह बंदोबस्त किया है। तकलीफ के लिए माफ कीजिए, अब आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू माय सन। यार ये मिनिस्टर साहब की पार्टी अक्सर बहुत ही ग्रैंड होती है, बड़ा मजा आता है। डैनियल। यस फादर। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? यस फादर। सर आप? ज्योति की लापता की वजह तीनों मंत्रियां हैं, उनमें से ये भी एक है। हाँ सर। रूरा रू रा रा रू। हेलो 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 हेलो। मेरी ज्योति कहाँ है? मेरी ज्योति कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं मालूम। सेकेंड पॉलिटिकल मर्डर। इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर कालिया दो मंत्रियों को कत्ल करने में कामयाब हुआ। इतना कड़ा पुलिस का पैरा होने के बावजूद वो कत्ल करने में कामयाब हुआ और बचकर भाग गया, किसी का हाथ नहीं आया। क्यों? सुपरमैन है, कानों से देखता है, आंखों से सुनता है, आखिर है क्या, क्या वजह है? सर वो कालिया। नो एक्सक्यूजेस प्लीज, ये सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से है। वरना पुलिस का इतना कड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद काले की यह जरूरत कि मंत्री जी के घर के अंदर घुसकर उनका खून कर दे, बचकर भाग जाए, बहुत शर्म की बात है। नो जेंटलमैन नो। वर्दी को मर्द पहनता है, वर्दी मर्द नहीं होती। जब तक आप लोगों के अंदर अपने फर्ज की मर्दानगी नहीं जागेगी, हम जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनका भविष्य हमारे हाथों में सुरक्षित है? अब तो केवल एक ही उम्मीद की तरफ नजर है हमारी, और वो है एसीपी प्रियंका सिन्हा। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। मिस सिन्हा, ये उस खूनी कालीचरण की फाइल है। मिस सिन्हा, कालीचरण कानून की पहुंच से बहुत दूर पहुंच चुका है। हमारा कोई भी ऑफिसर उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुआ। अब मैं यह केस तुम्हें इस उम्मीद पर सौंप रहा हूं कि तुम उसे जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। I will try my level best, sir.
मैं अपने फर्ज और आपके यकीन दोनों की लाज रखूंगी। ऑफिसर, आई हैव फुल फेथ ऑन यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मालिक आप? तुम्हें ज्योति की कुछ खबर है? हाँ, रोज पहले एक चिट्ठी आई थी। कहाँ से? पता तो उस पर नहीं लिखा था। वो चिट्ठी तुम्हारे पास है? हाँ, मैंने संभाल कर रखी हुई, अभी लेकर आती हूँ। काली, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हें गिरफ्तार करके रहूंगी। कमाल है महेश यार, अभी तक नहीं आई। यार महेश, तुम्हारी बेटी तो कभी कभी मिस यूनिवर्स हो जाती है। नजरें बिछाए रखो पर नजर ही नहीं आती। बस आती होगी। देखो यार, क्या तुम्हारी बेटी से फीता कटवाना जरूरी है? चलो हम लोग ही काट पीट लेते हैं। I don't mind. मकवाना साहब जी, ये रिबन तो मेरी बेटी के हाथों ही कटेगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत लकी है। जब तक वो नहीं आ जाती हम उसका इंतजार करेंगे। ये लो आ गए। तुमने मुझे देखा? हाँ मैडम। तो फिर सलूट क्यों नहीं किया? मेरे हाथ में ट्रे था। अब तो नहीं है? हाँ मैडम। That's better. हेलो बेटी, हेलो। चलो बेटिया, अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से ये रिबन काटो और अपनी इस नई टी एस्टेट की शुरुआत करो। क्लास 10,000, कोल्ड ड्रिंक 5,000, कुर्सी शामियाना 4,000, केटरिंग 10,000, फूल 10,000, हैं? ये क्या गोलमाल है नंदलाल चौबे? जब एक बार फ्लास की पेमेंट 10,000 लिखी गई है तो फिर दोबारा 10,000 पेमेंट फूलों की? ये डबल डबल पेमेंट? I don't mind, sir. चौबे, उम्र के साथ साथ तुम्हारी हेरा फेरी भी बढ़ती चली जा रही है। खानदानी मुलाजिमों इसलिए बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे सबर का पैमाना टूट जाए, समझे? I don't mind, sir. क्या? मेरा मतलब है सर, देखिए, एक तो ये उम्र का तकाजा, ऊपर से ये कमजोर आंखें, लोग इस बात का नाजायज फायदा उठा लेते हैं सर। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया जो चेक कर लिया, वरना वो फूल वाला तो 10,000 रुपए खा ही गया था। खैर आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं कल ही जाकर उससे हिसाब किताब करके 10,000 रुपए वापस ले आऊंगा। हाँ कल नहीं, आज, आज शाम तक ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाने चाहिए, वरना आई डोंट माइंड। क्या? सॉरी। अरे बाप रे, अब मैं 10,000 रुपए कहाँ से लाऊं? हाँ बिपिन भाई से लेकर आता हूँ, लेकिन बिपिन भाई के तो पहले से 40,000 रुपए देने हैं, क्या करूँ? हाँ अरे, मेरे पास अब एक ही उपाय है और वो है खान दादा। Thank you.
आम खान दादा। ओ आम खान है खबीस का बच्चा नहीं, साला पैसा उधार लेते टाइम पे नहीं देते, शादी में पैसे लेते, तलाक में पैसे लेते, दुकान डालने को पैसे लेते, दुकान बंद करने को पैसे लेते और टाइम पे नहीं देते हरामजादे, वो समझते क्या तुम साले, हमको पैसे देने में तुम्हारे खाला मरते। ओए हम खान है खान, साला हमको टाइम पे पैसे नहीं देते, हम आज देते तुम लुगाई के लेंगे में छुप जाते, हम खान है कभी इसका बच्चा नहीं समझे। खान दादा दुकानदारी नहीं चल रही है, हमको दो दिन का मोहलत चाहिए। ओए माफिया इतरा 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 इतरा, इसको दो दिन का मोहलत दो, ये तेरा दो दिन का मोहलत, आगे मोहलत मांगेगी तेरा गाल जूता मार के लाल लाल कर देगी और तेरा मुंडी कुंडी में डाल के जामुन के माफी गिलाएगी, समझे। हम खान है खबीज का बच्चा नहीं। ओए टेबल करने जितने पैसे ले क्या, ओए चाय भेजो, चाय भेजो। लो खान दादा, अभी किधर से आया छुपा के रखता खबीस साला। अरे खान दादा नमस्ते, नमस्ते। ओ नंदू बैठो यार बैठो। ओ कैसे आए, ओ क्या हो गया यार, क्या हो गया? आहा, अरे वाह ये हाथ है के हथौड़ा, अरे ये तो लोहा है लोहा, वाह दादा वाह। आहा ओ बाबा ये खान का खून का बात है। बस दादा थोड़ी सी हाई नॉर होती ना। आहा, क्या बात, तुम क्या ऐड की बात करते यार, वो आजकल खान लोग का ऐड किधर है? तुम देखो शाहरुख खान, आमिर खान, फैजल खान, सलमान खान, वो ऐड किधर है? आजकल पठान लोग का अंडरस्टैंडिंग हो गया है छोटा छोटा। दादा ऐसे ही रहना, जरा उधर करना उधर। आहा दादा जरा ऊपर देखना, थोड़ा और ऊपर, बस बस। आहा क्या यार क्या, अरे दादा बिल्कुल अमिताभ बच्चन लग रहे हो। वो चाय दे इसको यार, वो पैसे चाय लाओ इधर। अरे हो गया दादा हो गया। क्या हो गया यार? अरे आपका काम हो गया, मैं अभी जाकर एबीसीएल में बात करता हूँ। क्या एबीसीएल? अरे अमिताभ बच्चन की फिल्म कंपनी। दादा कल ही उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की जरूरत है, नए हीरो की जरूरत है, और आपसे ज्यादा कौन फिट होता है दादा, मैं अभी जाके आपके हीरो का काम फिट करता हूँ। लेकिन दादा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यार? दादा क्या है कि आपका इतना अच्छा काम करने से पहले मैं अपनी टेंशन दूर करना चाहता हूँ। वो क्या टेंशन है? दादा मेरा टेंशन है मुझे एक 20,000 रुपए की जरूरत है। ओ यार 20,000, ये लो यार, ये लो, ये लो, ये लो पकड़ो। अरे वाह, ये लो यार, ये ले लो। अरे 20,000, थैंक यू दादा थैंक यू। बस मैं अभी जाके आपका काम पटाता हूँ। अच्छा हम खान है खबीस का बच्चा नहीं है, तुम हमको बोलो ये पैसा हमको कभी वापस करेगा? मंगल को। अच्छा ठीक है जाओ। क्या हुआ दादा? एक बात मेरे को बोलो, मैं अमिताभ बच्चन के माफिक लगता है? अरे बिल्कुल 100% अमिताभ बच्चन। अच्छा तुम्हें पैसा मंगल को नहीं मेरे को बुध को दो, बुध को। अरे थैंक यू दादा थैंक यू। दादा एक सजेशन दू, दादा आप जरा अपना मुंडी ऐसे रखा करो, इस पोज में बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगते हो। खुदा हाफिज। आम लोअर स्टेज सलमान खान का बच्चा है, हमें उस तरह हाय। अरे सर देखिए कितनी लंबी उम्र है इनकी, अभी याद किया और अभी सामने आ गए और वो भी पूरे 5। अरे कब्जा सिंह, कौन तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? सूटकेस चाहिए। बकवास बंद करो, जानते नहीं किससे बात कर रहे हो तुम? एक करोड़पति से लाख रुपए की बात कर रहे हैं, चुपचाप सूटकेस हमारे हवाले कर दो। हर किस नहीं दूंगा, हर किस नहीं। तो बाप भी देगा। आई डोंट माइंड सर, इस समय अपने पैसे की चिंता मत कीजिए, अपनी जान की चिंता कीजिए, बैग दे दीजिए प्लीज। हिलना मत। कौन है तू? Yeah.
थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है तुम्हारा? जी कालिया। क्या करते हो? तलाश। तलाश? किस चीज की तलाश? जी नौकरी की तलाश। नौकरी की तलाश? अरे फिर तो समझो कि नौकरी तुम्हें मिल गई। मिल गई? हाँ, आज से तुम मेरे ड्राइवर कम बॉडी गार्ड। जी हाँ, सोचो मत, गाड़ी में बैठो। कम ऑन। आओ कालिया भाई, ये हमारा घर है, तुम्हें जो भी कमरा अच्छा लगे ना, समझो तुम्हारा हो। जा दे। क्या हुआ बेटी? ये आदमी कौन है? मेरे कमरे में क्या कर रहा था? अरे बेटी, ये तो अपना ही आदमी है कालिया, अनजाने में तुम्हारे कमरे में चला गया होगा। यू नो, अगर आज ये सही वक्त पर नहीं पहुंचता ना, तो गुंडे पैसों के साथ साथ मेरी जान भी ले लेते। सच बेटी, अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तो इस कालिया की वजह से। आज से ये तुम्हारा ड्राइवर कम बॉडी गार्ड। ओके, आई डोंट माइंड। सुनो, इनका नाम आज से अपने रजिस्टर में लिख लो और आज से इनकी तनख्वाह शुरू कर दो। ओके, आई डोंट माइंड। चलो चलो। ए, चलो। आओ आओ। देखो, तुम्हें 2000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी, बाकी तुम टायर ट्यूब हेडलाइट वगैरह बेच के मैनेज कर लेना। हाँ, आई डोंट माइंड। और अरे खड़े क्यों हो, अब जाके बाहर बैठो। प्रिया बिटिया को कराटे और जूडो के स्कूल में जाना है, उसको सही सलामत ले जाना और सही सलामत वापस ले आना, बाकी आई डोंट माइंड। जाओ 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 जाओ। सुनो, जिस वक्त कल तुम मेरे कमरे में आए थे, मैं अपने बाथरूम से नहाकर निकल रही थी, तुम्हें अचानक रूम में देखकर मेरे हाथ से टॉवल गिर गया। तुमने कुछ देखा तो नहीं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं। सुनो, शाम को 5 बजे आ जाना। हाय। क्या बात है, आज कुछ उखड़ी से नजर आ रही हो। गुस्सा आ रहा है यार। किस पर गुस्सा आ रहा है? अपने ड्राइवर पर। क्या तुम्हारा ड्राइवर भी तुम्हारे साथ गुस्ताखी करता है? आज इस ड्राइवर के बच्चे को सबक सिखाना है, सेल्फ डिफेंस में इसके हाथ पैर तोड़वा देते हैं। वेरी गुड। कब आ रहा है वो? 5 बजे। चलो चलो चलो, चलो, चलो। भाई साहब, ये खान दादा कहाँ है? अंदर है। अंदर है। आजा आजा। वल्ला वल्ला, अखोर मशे, अखोर मशे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ओए खबीस का बच्चा, तुम किधर गया था यार? अरे दादा, आपके लिए डायरेक्टर ढूंढने गया था। वो मिले? ये रहा, ये है हमारा डायरेक्टर राज संतोपी। ये डायरेक्टर है? ओए गिरना मत है, ये तो कंडक्टर लगता है यार। अरे दादा, इनकी सेहत पर मत जाइए, बहुत साल स्ट्रगल किया ना, तो ये आलम हो गया। लेकिन दिमाग, वाह 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 वाह, क्या तेज दिमाग है। दिमाग भी यार, किधर किधर रहते हैं आजकल, समझ में नहीं आता यार। वो इससे पहले कोई पिक्चर बनाई है? बहुत बनाई है। ओए पंजाबी बनाई है, ओए कुड़ी कितने जा रही है, और भोजपुरी माँ बनाया है, सैया पनवा खाकर पंचमाले से मुंह पर थूक दीन, और राजस्थानी में बनाई है, भाया भागे ससरे है, अने गुजराती में बनावियो छे, देरानिया ने जेठानी दांडिया खेली ने मरी गया, और बोंगला में बनाया इलिस मोचिर जाल खौप, और हिंदी में कब तक झेले हम आपको, और दौलत वाले जुबनिया ले गए। तो मद्रासी पिक्चर नहीं बनाया यार, बनाओ यार। वैसे तो बहुत काबिल आदमी लगता है यार मेरे को।
कहानी क्या स्टोरी सुनाओ मेरे को यार। वो बड़े गजब की कहानी है भाई। सुनाओ यार। गली में खुजली वाला कुत्ता रो रहा है और उस खुजली वाले कुत्ते के दुम की तरह दीवार पर टंगी हुई घड़ी 12 बजा रही है। टिक 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 टिक। अचानक लाइट्स गुल, बत्ती बंद, पंखा बंद। खटिए पे सोया हुआ हीरो परेशान है गर्मी से, खटिए से उतरता है और अपने कपड़े उतार कर हो जाता है। ये क्या खोल रखा भी इसको भी है? दरवाजा, सामने की खोली का दरवाजा। हीरोइन खड़ी है भीगी हुई, बदन से पानी टपक रहा है, टप 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 टप। अचानक हीरोइन की नजरें मिलती है। ग्लैमरस माहौल, सेक्सी, कामुक। तो क्या तुम फिल्म में मेरे को करेगा? आपको यार तुम समझा करो यार। वो क्या है कि वो मेरे पीछे एक्सीडेंट में बहुत ठाका लगा यार, बहुत ठाका लगा यार, बुरा लगेगा यार। खान साहब मिलाओ हाथ, लोग आपके टाके देखने आएंगे, आपकी फिल्म हिट है। क्या बात करते हो, पड़ेगा मेरे को। देखिए देखिए, नंगा तो आपको होना ही पड़ेगा, या तो फिल्म की मेकिंग में आप नंगे होइए, या तो फिल्म के फ्लॉप होने के बाद। अच्छा अच्छा यार, ठीक है यार, बहुत मजा है। हाँ हाँ खान दादा, इनका मतलब क्या है कि आजकल फिल्मों में नहीं चलता ना। अच्छा क्या बात करता है यार। साहब देखिए, हम हीरोइन को भी कर देंगे। हाँ। अरे आजकल ना फैशन में शामिल हो गया है। हाँ। साहब आप हीरोइन को जब तक पूरी तरह एक्सपोज ना करें, वो आपकी खुद फिल्म रिलीज होने से रोक सकती है। हाँ। क्या बोलते तुम यार। हाँ, संतोपी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादा। बस अब आप मुझे एक 50,000 रुपए दे दें ताकि मैं आपके लिए जाकर एक खूबसूरत मोटी तगड़ी सी हीरोइन तलाश करूं। ओए माफिया, इसको 50,000 दो यार, सुनता है तुम यार। थैंक यू दादा, चल। ओए संतोपी, तू मेरे को बताओ मेरा शक्ल हीरो से मिलता है? खान साहब, फिल्मों में शक्ल नहीं तकदीर चलती है। अगर जो है तेरी तकदीर अच्छी तो सड़क के किनारे होगा तेरा बंगला, और जो है तेरी तकदीर खराब तो सड़क पे होगा भटकता तू कंगला। खान दादा, अरे आप फिर भूल गए। क्या भूल गए यार? अरे ऊपर अमिताभ बच्चन, माफिया। आ साला तकदीर अपन खुद लेता है, साला खुद। जिंदगी सिगरेट का धुआं, खुदा गवाह। Thank you.
जाना। ए कालिया, इधर आओ। जाओ वो बॉल लेकर आओ। आज इसकी चर्बी निकाल दूंगी। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। जाओ बॉल लेकर आओ। पहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? जाओ जाकर बॉल लेकर आओ। बदतमीज, नहीं जाओगे? Look, madam, you might be rich. That doesn't mean you have to behave with human being like this. I'm your servant. Not your slave. Do not repeat it again, or I shall have to teach you a better lesson. Okay?
तुझे बाह में आग लग हर पल नई बहार का। मेरे दिल की आरज़ू क्या, तूने ये कैसे जाना। नादा हो तुम तो जाने मन, पर मैं तो हूँ सयाना। तू जानू मैं जाने जाना, जिंदगी से अब ना जाना। धोखा दूँ किसी को ऐसा मैं नहीं मेरी जान। तुमने दी सताए और मैं आ गया, इस तरह ये दिल तुम पे आ गया। ओ, तुमने दी सताए और मैं आ गया, इस तरह ये दिल तुम पे आ गया। सच है ये कि सपना सनम, तुम हम है ऐसे संतम, तोड़ दो ये मेरा भरम। ये सच है मेरी जान, तुमने दी सताए और मैं आ गया, इस तरह ये दिल तुम पे आ गया। क्यों नहीं भरी? सॉरी मैडम। जल्दी भर देना। सुनिए। यस। यहाँ कोई ज्योति नाम की लड़की रहती है। ज्योति? जी हाँ है। जरा उसे बुला देंगी? ठीक है, अभी बुला देती हूँ। जरा ज्योति को बुला देना। जी मैडम। मैडम आपने मुझे बुलाया है? हाँ ज्योति, ये साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैडम ये वो ज्योति नहीं है जिसे मैं मिलना चाहता हूँ। अगर आपके यहाँ कोई और ज्योति है तो उसे बुला दीजिए। I'm sorry, हमारे हॉस्टल में बस यही एक ज्योति है। I'm sorry. Okay, you can go. मैं जानती हूँ आप दोनों ही काली के बहुत नजदीक हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे बताइए कि काली मुझे इस वक्त कहाँ मिलेगा? मैडम मैं तो सिर्फ उनके ऑफिस में एक क्लर्क हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि वो एक नेक और शरीफ इंसान है, वो किसी का खून नहीं कर सकते। और आप काली के बारे में क्या जानती हैं? मेरे मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ज्योति और नौकरी के सिवा कुछ नहीं जानते। ज्योति वो किधर है? ज्योति कहाँ है मैं भी नहीं जानती, लेकिन 10 दिन पहले एक चिट्ठी आई थी। चिट्ठी? वो चिट्ठी कहाँ से आई थी? कहाँ से आई थी ये भी मैं नहीं जानती। वो चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी चिट्ठी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैडम गारंटेड। अरे क्या है? ये दादा कहाँ है भाई? वो सामने है। संभाल के हाँ। अरे बहुत बढ़िया आदमी है दादा। हाँ अरे दादा सलाम। वालेकुम सलाम। नंदू तुम किधर है यार? अरे दादा इनसे मिलो, ये है रंभा। रंभा 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 वाला क्या जवानी, जैसे चरण रानी, जैसे काबुल के चिलगोज। माफिया ये रंभा को मेरा कमरे में लेके जाओ यार, मैं बादाम पी सका क्या? जाओ जाओ लेके जाओ। अरे नहीं दादा खान दादा, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अरे ये आपके फिल्म की हीरोइन है। हीरोइन? वल्लाह ये मेरा हीरोइन है। वो यार मेरे को माफ करो, वो कभी इसका बच्चा तो पहले क्यों नहीं बोला यार? वो माफिया जाओ मेरा हीरोइन के लिए एक बटाटा वड़ा और एक कटिंग चाय लेके आओ। व्हाट बटाटा वड़ा? अरे अरे खान दादा क्यों इज्जत का फलूदा कर रहे हो? अरे ये हीरोइन है, कोई काम करने वाली बाई नहीं। अगर मंगवाना है तो बटाटा वड़ा नहीं, कोई बर्गर मंगाओ, कोई पिज्जा मंगाओ, है ना? है? ये तो मेरे मोहल्ले में नहीं यार, मैं इसको शाम को लिंकन रोड लेके जाएगा, पिज्जा खिलाएगा, वीजा दिलाएगा। ये यार मेरा बुलबुल, तू मेरे साथ काम करेगा? व्हाई नॉट, हमें अपना करियर बनाना है, हम किसी के साथ भी काम करेगा। वो देखो ये। अरे बिल्कुल आई डोंट माइंड। क्या है आप बिल्कुल फिक्र मत करो दादा, बड़ी तबीयत से काम करेगी,
बहुत टैलेंटेड है और एक्टिंग तो इसके कपड़े लत्ते में भी भरी हुई वो है। तो एक्टिंग देखेगा यार। क्या एक्टिंग देखेगा यार। दादा वो बात क्या है कि मैंने आपको डायरेक्टर से मिलवा दिया, हीरोइन से मिलवा दिया, सारा मामला फिट कर दिया, बस अब मुझे 2 लाख रुपए दे दे ताकि मैं पिक्चर का मुहूर्त अरेंज कर सकूं। 2 लाख रुपए दो यार, जाओ यार तुम। हाँ दादा वो मेरी बात याद है छे अमिताभ बच्चन। हाँ I don't mind, अभी आ जा। अरे तेरा तेरा जोड़ी जमेगा, अपुन ने बोलता है खुदा गवाह है। हेलो मल्होत्रा। वेलकम प्रताप सिंह। कैसे हो भाई? हाँ भाई सब ठीक है। आप लोग बैठिए, आओ आओ। और धंधा पानी कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है प्रताप सिंह, बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ नहीं। अच्छा चलो गाड़ी निकालो, मुझे घूमने जाना है। कहाँ? ओहो चलो तो सही। बड़े ही संदिग्ध इंसान हो तुम, एक जवान हसीन लड़की तुम्हारे पास बैठी है और एक तुम हो कि यूं खामोश बैठे हो। गाड़ी चलाते वक्त मैं बातें नहीं करता। अच्छा एक काम करो, मैं तुमसे बात करती हूँ और तुम सिर्फ हम्म करना, ओके? जानते हो मेरी एक सहेली थी रीटा, बहुत सुंदर, स्मार्ट, ब्रॉड माइंडेड, पढ़ी लिखी, और अचानक उसे एक बुद्धू से प्यार हो गया। मगर अफसोस उस बुद्धू ने मेरी सहेली के प्यार को समझा ही नहीं। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है और मोहब्बत की तड़प तो सिर्फ वो जानते हैं जो मोहब्बत करते हैं। एक दिन बेकरार होकर मेरी सहेली ने शर्मो हया छोड़कर सारी दुनिया के सामने अपने महबूब को गले लगा लिया।
कौन हो तुम? एक लड़की जो तहे दिल से अपने प्यार का इजहार कर रही है, और एक तुम हो किस बेरुखी से पेश आ रहे हो। इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ ज्योति से प्यार करते हो। मैं जानती हूँ तुम ज्योति को खोज रहे हो और सिर्फ ज्योति से प्यार करते हो। ये मेरी बेवकूफी है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ज्योति के बारे में क्या जानती हो? ज्योति मेरी बेटी समान है। हाँ, ज्योति मेरी बेटी जैसी है। भैया और भाभी की मौत के बाद मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। ज्योति बिटिया, नाश्ता तो कर लो, भूख लग रही होगी। जब तक चाचू नहीं आते मैं नहीं खाऊंगी। कलेक्टर साहब को काम से फुर्सत नहीं मिली होगी, उनको आने में बखत लगेगा। आने दो, उनके आने के बाद ही मैं खाऊंगी। बाबा रे, ऐसा मोह तो मैंने किसी बेटी में भी नहीं देखा। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है। हो सकता है अब सरानों की पूरी सिस्टम सड़ गई हो, लेकिन संविधान के पन्ने नहीं सड़े। आप लोग उन अफसरों के मुंह पे तमाचा क्यों नहीं मारते जो भ्रष्ट है, बेईमान है, आप लोगों को दबाना चाहते हैं। कलेक्टर साहब, हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते? इसलिए कि इस देश में नौकरशाही चलती है। अफसर चाहे भ्रष्ट हो या ईमानदार, पब्लिक को उसे कुछ कहने का हक नहीं है। अगर कुछ कह भी देती है तो अफसर को कुछ नहीं हो सकता। उल्टा संविधान में फेर बदल कर फिर पब्लिक को ही जेल भेज दिया जाता है। हमारे जमीन के मामले में आज 5 साल हो गए कलेक्टर साहब। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कानून दबाव में नहीं आता, आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। जाइए। नमस्ते साहब। डैनियल को अंदर भेजो। हाँ डैनियल, कल 1st आवर में कलेक्टर कोटे की जमीनों की फाइलें चाहिए। ओके जी सर। ज्योति बेबी स्कूल से आगे होगी, आपको जल्दी जाना पड़ेगा। नमस्ते साहब। साहब, भवानी सिंह जी ने आपके लिए ये गाड़ी भेजी है। क्यों? मालूम नहीं साहब। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी है, ले जाइए। सब कौन लेकर आया? एक अंकल आए थे, ये सब चीजें रखे गए। मेरे लिए खिलौने और आपके लिए कार। ये सब चीजें लेना अच्छी बात नहीं है। मैं इससे भी अच्छे खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। चाचू, मुझे भूख लगी है। हाँ? अरे मेरी बेटी को भूख लगी है और किसने खिलाया नहीं? अभी खिलाता हूँ, आ जाओ। ज्योति बेटी, एक छोटा सा काम है, मैं अभी आया। ठीक है। वेलकम कलेक्टर साहब, वेलकम। आप थैंक यू कहने के लिए आए? क्यों नहीं, बिना मांगे इतनी बड़ी गाड़ी जो भेजती। ये तो एक छोटा सा तोहफा है हमारे और आपके दोस्ती का। हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? रिश्वत देने के लिए लोग जाते हैं, मगर हम रिश्वत लेने वाले को अपने पास बुलाता हूँ, यही हमारा स्टाइल है। क्या कहना चाहते हैं आप? कलेक्टर साहब, वो जो 500 एकड़ जमीन का टुकड़ा है ना,
हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए। अच्छा अच्छा, इसीलिए ये रिश्वत दिए गए। कलेक्टर साहब, ये रिश्वत नहीं है बल्कि हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। ये पहली गलती है। अगर आइंदा ऐसी जलील हरकत की तो तुम लोगों को इतना जलील करूंगा कि अपनी बीवी बच्चों को पहचान नहीं पाओगे। कलेक्टर, सिर्फ 5 एकड़ जमीन की तो बात है, हम तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। जब तक कुर्सी है कमाओ, कुर्सी नहीं रहेगी तो हालत उस बेवा औरत की तरह हो जाएगी जो श्रृंगार तो करना चाहती है मगर मर्द के ना होने की वजह से मन मार के रह जाती है। बहुत जानकारी है तुम्हें बेवाओं के अरमानों की, लेकिन लगता है तुम्हें आज तक किसी मर्द से वास्ता नहीं पड़ा। किसी मर्द को मजबूर करने की कोशिश मत करना, वरना किसी बेवा की तरह अपने अरमानों पे रोओगे। ये लो काही तोहफा। क्या करूं ये खिलौने का, दबाओ इसे। प्रताप सिंह, आइंदा कालीचरण की जमीन को खरीदने की कोशिश मत करना वरना भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे साथियों को टुकड़े गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। ज्योति, 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 अरे कहां चली गई थी? कुछ देर और कर देती तो तेरे चाचू की जान निकल जाती। चाचू, आप भूल गए लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, आज आपका बर्थडे है इसीलिए मैं ये तोहफा लेने गई थी। थैंक यू। लेकिन इतने पैसे तुझे कहां से मिले? चाचू, मैंने अपने गोलक में कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उसे तोड़कर मैं ये लाई हूँ। आपको ये तोहफा कैसा लगा? ऐसा तोहफा मुझे जिंदगी में किसी ने नहीं दिया। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है डैनियल? मिनिस्टर साहब ने आपको राइस मिल में बुलाया है। राइस मिल? हाँ हाँ, मैंने मिनिस्ट्री में बात की है सर। ये जो प्रपोजल आपने दिया है आ जाएगा। मैं जो हूँ, हाँ, ओ वेलकम वेलकम कलेक्टर कालीचरण, वेलकम। आपने मुझे बुलाया सर? अरे पहले बैठो तो सही। कलेक्टर, वो जो 500 एकड़ जमीन का टुकड़ा है उसे हम अपने नाम करवाना चाहते हैं। समझा, उस जमीन के लिए इन चेहरों ने मुझे लालच देने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए तो आपका वसीला लेकर आए हैं। वसीला कहां, मैं खुद आया हूं। आपको बस इस डॉक्यूमेंट पर एक साइन करनी है। मिनिस्टर साहब, जिस दिन मैंने यह नौकरी ज्वाइन की थी उस दिन बापूजी और नेहरू जी की फोटो के सामने कसम खाई थी। उन्होंने जितना देश के लिए किया है अगर मैं उसका 10% भी कर दू ना तो अपना जीवन सफल समझूंगा। लेकिन यहां आकर देखता हूं कि आप जैसे नेताओं ने गरीबों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, उन लोगों का हक छीन रहा है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। ये भाषणबाजी हम जैसे नेताओं के लिए छोड़ दो, तुम चुपचाप उस कागज पर दस्तखत करो जिससे तुम्हारा हमारा दोनों का राशन चलेगा। एक कलेक्टर की दस्तखत किसी फाइल के खुलने पर और बंद करने पर होती है। अब तुम लोग ही बताओ मैं किस फाइल पर दस्तखत करूं,
तुम लोगों की जिंदगी की फाइल पर जो जुर्म से भरी हुई है, या तुम लोगों की मौत की फाइल पर जो मुझ जैसे वफादार सैनिक के हाथ होगी। बहुत बोल चुके हो तुम कलेक्टर, अब हमारी एक बात ध्यान से सुन। जब तक घोड़े की पीठ मजबूत होती है ना, तो उसकी टांगे हवा से बातें करती हैं। जब वही टांगे टूट जाती है ना, तो वो अपनी पीठ पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। आज तुम्हारे पास कुर्सी की ताकत है तो तुम्हारे दस्तखत का कीमत है। कल यही कुर्सी छिन गई ना, तो किसी काम के नहीं रहोगे तुम, और ना ही किसी काम का रहेगा तुम्हारा पांच अक्षर का दस्तखत। वो जमीन पर गरीबों की दुनिया बसेगी और उसे मैं हरगिज उजड़ने नहीं दूंगा। दुनिया तो आज किसी ना किसी की उजड़ेगी कलेक्टर, या तो उन गरीबों की या तुम्हारी। उधर देखो। चाचू। ज्योति। वरना क्या करोगे? हमारे टुकड़े कर दोगे, हमें जिंदा जला दोगे, या हमें सड़क पर नंगा कर दोगे? बहुत हो गया ये, इन सब बातों में कोई दम नहीं। ये लो पेन और साइन करो यहाँ पर। नहीं तो हमारा चाकू इस बच्चे के गले पर साइन कर देगा। नहीं। साइन करो। साइन करो कालीचरण। कलेक्टर वाह, तुमने इस पर साइन करके हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस जमीन में तुम लोग भी मेरे हिस्सेदार हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस जमीन का सिर्फ एक ही मालिक है और वो मैं। मिनिस्टर साहब, तुम राजनीति की शतरंज में सिर्फ एक प्यादे हो, जो सिर्फ एक चाल चलता है, वो भी सीधी। हम उस घोड़े की तरह हूं जो अपना ढाई कदम कहीं भी और कभी भी चल सकता हूं। देखो, गौर से देखो, ई पर तुमरा नहीं, हमरे तीनों का नाम लिखा है। ये कैसे हो सकता है? हमारी मदद से तुम मिनिस्टर बने हो, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए हम पहले से ही बंदोबस्त करके रखा था। ये तो धोखा है। धोखा तो तुम हमको दिए हो, मगर ये उसका तोहफा है। जय हो मंत्री जी। ये क्या किया आपने? हम क्या किया हूं, हम तो कुछ नहीं किया। कलेक्टर ने मिनिस्टर साहब को जान से मार डाला। समझ गया। एक्सक्यूज मी प्लीज। कालीचरण, कैच मी इफ यू कैन। दाइमा, मुझे चाचू के पास ले चलो। दाइमा, मुझे चाचू के पास ले चलो। मुझे चाचू के पास ले चलो। मत रो बेटी। ज्योति बेटी। डैनियल अंकल, मेरे चाचू को बचा लीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। काश ये मेरे बस में होता बेटी। तो किसके बस में है? कौन मेरे चाचू को बचा सकता है? देखा ललन, ये है राजनीति। होम मिनिस्टर का तो हम खून कर दिया हूँ, कलेक्टर को फंसा कर जेल में भिजवा दिया हूँ, और जमीनें तो हम तीनों के नाम पर हो गया, और अब यहाँ चैन से बैठकर स्कॉच पी रहे हैं। अगर नेता ना होते तो ये सब हो सकता था? कहा कभी नहीं। सचमुच बड़ी सेफ जगह है ये पॉलिटिक्स। ये तो लेकिन कितनी मुश्किल से तुम राजनीति में आए हो। याद है ललन, जब मैंने तुमसे चुनाव लड़ने के लिए कहा था, तुमने क्या जवाब दिया? राजनीति में दोगले लोग ही जाते हैं। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि
सिर्फ राजनीति एक ऐसा धंधा है जहां बगैर गाय पाले दूध मिलता है। खाली दूध नहीं, रबड़ी मलाई भी मिलता है। क्या बात है सर? मैं ज्योति हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरे चाचू को बचा लीजिए, वो खूनी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, वो किसी का खून नहीं कर सकते। कलेक्टर कालीचरण के घर की इज्जत? तो है विश्वास है कि तेरा चाचू खून नहीं कर सकता? मेरे चाचू देवता के बराबर के इंसान है, और देवता किसी इंसान का खून नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी मेरे चाचू की देन है, अगर आप उन्हें छुड़ा दें तो मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, तो तुहे काम करना पड़ेगा। क्या? एक कप पीना पड़ेगा। ठीक है। आपके कहने पर मैंने पी लिया। आप मेरे चाचू को छुड़ा लेंगे? छुड़ा लेंगे? सर, आपको बचाने के लिए ज्योति बेटी मंत्रियों से मदद मांगने गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। नहीं! क्यों चिल्ला रहा है? चल जा। हालत में मुझे तुम्हारी मोहब्बत रास आएगी? क्या मेरे बढ़ते कदम तुम्हारी जुल्फों की जंजीर में बंधना पसंद करेंगे? नहीं प्रिया, नहीं, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। मुझे ज्योति की तलाश है, मुझे अपनी मान मर्यादा और खोए हुए रुतबे की तलाश है। मुझे तलाश है उस भविष्य की जो आज मेरा एक बदनाम
गुजरा हुआ कल बन चुका है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से इनकार नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि मैं तुम्हारी जुल्फों का बोझ तक नहीं उठा सकता। काली, काली तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। Hold it right there. यारे सुपारी ली थी, उसी को टपकाने गया था, साला 5 बजे स्पॉट लगाना पड़ा, उसी को लुड़का के आ रहा हूँ। वो यार क्या बात, अरे मुन्ना भाई को बियर दो यार, बहुत थका है। अभी यार मर्डर करके आया यार, खाना भी ना खाओ यार। खाना भी है? ओए खाना भेंडी बाजार में तो खाना ऐसा बांट दिया ईमान से यार, नान चाप सी कबाब शाबी कबाब बोटी कबाब कलेजी खीरे सब फ्री कर दिया यार। ये सब हमारा भाई लोग। खान भाई बहुत हीरो बनके आपने बिरादरी का नाम रोशन कर दिया। वल्ला वल्ला। ये मिस यूनिवर्स कौन है? ये हमारा हीरोइन है, कभी हमारे डोंगरी पर भेज देना। ये भाई, ये भाई। पहले फिल्म कंप्लीट हो जाए फिर मैं उसको डोंगरी पे लाता है ना यार। तू कौन है बे? ये शाने, मैं भी ना तेरे जैसा पहले उबर खबर था क्या? जिसको भी टपका है ना तो उससे बुलेट का पैसा वापस ले ला, अभी समझ जा। क्या कहा? अबे अरे ओ भाई, अरे मुहूर्त तो होने दो, फाइटिंग वाइटिंग बाद में करना, अंदर चलो। तुम क्या बात करते भाई हमारा यार। दादा एक 10 लाख रुपए का चेक साइन करके दे दो। वो क्या चेक का बात करता तुम यार, वो यार कमाल का बात करता। ए माफिया, इसको पूरा चेक बुक दो यार। चेक का बात करता है, ये पैसे का इधर कमी है ये बात करता है। चलो चलो चलो, जल्दी से नारियल फोड़ते हैं और इनका डांस शुरू करते हैं। चलो देखो मुख्यमंत्री जी, हम पार्टी में भोग विलास करने आया हूँ, अपनी अर्थी उठवाने नहीं। कालिया का कुछ करो वरना हम पार्टी को लात मार दूंगा। पार्टियां मील का पत्थर होती हैं, रास्ते का पत्थर नहीं जो किसी के लात मारने से हिल जाएगा। अगर कोई आदमी किसी मिनिस्टर का खून करता है तो जरूर से मिनिस्टर से कुछ शिकायत होती है। तो इतना कुछ करने के बाद कालिया मुजरिम नहीं है कहा? है, मगर ऐसा क्यों हुआ? अगर कलेक्टर से मीटिंग ही करनी थी तो होम मिनिस्टर उसे अपने घर बुलवा सकते थे या ऑफिस बुलवा सकते थे, राइस मिल ही क्यों? बहुत सी बातों पर पर्दा डाला गया है कलेक्टर कालीचरण को कालिया बनाकर। ये पर्दा तभी उठेगा जब कालिया जिंदा पकड़ा जाएगा। कानून को अपना काम करने दो, जो गलत होगा पकड़ा जाएगा। आप लोग जा सकते हैं। हमारे पार्टी छोड़ने का अफसोस नहीं है उसे, चिंता है तो बस कालिया को जिंदा पकड़ने की। हमारे चरित्र का इतिहास जानना चाहता है वो। हम क्या जेल में जाने के लिए नेता बना हूं? जेल तो वो हमें तब भिजवाएगा जब उसकी कुर्सी रहेगी। कुर्सी को मारो गोली भीम, कुर्सी छिन जाने में बहुत वक्त लगेगा, इससे पहले कि कालिया ऊ के हाथ लग जाए और हमारा सारा फांडा फूट जाए। हम उस चीफ मिनिस्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरूरत से ज्यादा ईमानदार बन गया है ऊ हरामजादा। सर, कालिया एसीपी प्रियंका सिन्हा की गोली से जख्मी होने के बावजूद भी उसकी गिरफ्त से फरार हो। सुना तुमने? अब जो कुछ भी करना है हमका ही करना है। हीरा। यस सर। कालिया जख्मी हालत में फरार है, वो इलाज के लिए जरूर किसी न किसी हॉस्पिटल में जाएगा। तुम लोग डॉक्टर बनकर शहर के तमाम हॉस्पिटलों में ढूंढो, वो जहां भी मिले उसे खत्म कर दो। फरार होते समय कालीचरण जख्मी हो गया था, वो अपना इलाज कराने शहर के किसी न किसी अस्पताल में जरूर जाएगा। तुम लोग डॉक्टरों के भेष में सब अस्पतालों पर नजर रखोगे,
मुझे किसी भी कीमत पे काली चरण जिंदा गिरफ्तार चाहिए। डैडी, जे जे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाहर देखिए, एक मैडम हरी पैंट और काली शर्ट में बाहर खड़ी है, डॉक्टर से बात कर रही है। आप जरा उनसे बात करा दीजिए प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके मैडम। कालिया यहाँ भी आ सकता है, आप लोग होशियार रहिए और यहाँ पर नजर रखिए पूरी तरह। आपका फोन। ओके मैडम। एक्सक्यूज मी। राइट। हेलो इंस्पेक्टर प्रियंका सिन्हा, देखिए मैं विजय हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ अभी अभी कालिया जख्मी हालत में अपना इलाज कराने जबरदस्ती घुसाया है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो, ऑफिसर लेट्स गो। ओके मैडम। आपके पेशेंट की तबीयत कैसी है अभी? इज ऑल राइट नाउ। डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त को गोली लगी है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। प्लीज, वहाँ कार में आइए। चलो डोंट वरी, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। Thank you.
भाग गए हैं, कुछ लोग उधर भाग के गए हैं। मैडम आप लोग वहां जाओ। यू रास्कल्स, चलो साथ में। जानू उठ उठ के रातों में सोचूं मैं
तो दिल निसार किया, बेदर्दी के संग प्यार किया, बेदर्दी के संग प्यार किया, दिल मुफ्त में ही वार दिया। चक्कर में रोड पे आ गया ये। ए खान, ए खान, कौन यार? ये साला वही है। साला तुम तो मोची है। ये भाई, ये मोचीगिरी अपना खानदानी धंधा है। हाँ, मेरे को सड़क पे लाने के वास्ते तुम साला डायरेक्टर बना था। अरे सिंपल बात है यार, अपने को एक आदमी ने 1000 रुपए दिया डायरेक्टर बनने के, कोई दूसरा आदमी आके अपन को 2000 रुपए देंगे, अपन उसके बाप बन जाएंगे यार। रात गई बात गई, चल भी आवान दे, एक गिरा करने का टेम हो गया पॉलिस 2-2 रुपए। ये मेरे को ये काम सिखाए तुम यार। काय को नहीं यार, अभी ये तू कार्ड ले, एड्रेस ध्यान से इसे पढ़ लेना, क्या कल सुबह 9 बजे आ जाना, तेरे को मोचीगिरी सिखा देगा। अभी चल निकल, ए पॉलिस 2-2 रुपए में। Hi, Khan. How are you? तुम वो हीरोइन कोई और? काहे की हीरोइन, मैं तो मुजरा करती हूँ। वो कभी उसकी बच्ची मुजरा करने वाली मेरे को हीरोइन बन के लूटी। अरे तूने भी तो मेरा सब कुछ लूटा है, चल हट। अरे तुमको तो मैं कल टीवी पर देखा था, तुम्हारी फिल्म का मुहूर्त था खबीज का बच्चा, और मैं भी एक फिल्म बनाया था कुत्ते का बच्चा, हम दोनों प्रोड्यूसर भिखारी बन गए, चलो बटियार खाने। बोल, काली को मारने तुम्हें किसने भेजा? पानी, पानी। बताओगे? नहीं बताओगे तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा हवलदार, मरने से पहले एक सिगरेट तो पी लो, सिगरेट की एक भी चिंगारी अगर बदन पर गिरी तो जलकर राख हो जाओगे। All the best. हवलदार, इनके मरने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। Thank you.
कुछ बोलना चाहते हैं। अब बोलो। मिनिस्टर प्रताप सिंह, भवानी सिंह और उनके साथी। आओ एसीपी साहिबा, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? पता करने आए थे क्या कालिया से तुम लोगों की कोई दुश्मनी है? हमारी काय की दुश्मनी, दुश्मन तो कानून का है, देश का है। कालिया को मारने जो गुंडे आप लोगों ने भेजे थे वो मेरी हिरासत में है और मैंने उनसे तमाम बातें उगलवा ली हैं। कल वो लोग कोर्ट में जाएंगे और आप लोगों के खिलाफ बयान देंगे। काहे हमसे झगड़ा मोल ले रही हो मैडम? दूसरे देशों की तरह हमारा भारत भी 21वीं सदी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जाओ तुम भी लूटो और हमका भी लूटन दो। आप जिस भारत को 21वीं सदी पे ले जाने के सपने दिखा रहे हैं उसकी हालत देखी है? सोना गिरवी रख कर चूल्हा जला रहा है। एक साल का बच्चा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है लेकिन अपना देश 46 साल का होकर भी ठीक से अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया क्योंकि इसे आप जैसे नेताओं और रहनुमाओं ने पोलियो का मरीज बना दिया है। हम नेता हूँ, हम अपनी टोपी कैसे भी घुमाकर पहन सकता हूँ, तुम घुमाओगी तो उल्टी हो जाएगी। हमें कोर्ट कचहरी ले जाने के मंसूबे मत रखो एसीपी, हम बहुत भारी है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल से जाते हैं। कानून जब दौड़ाता है तो भारी चीज भी हल्की होकर भागती है। कौन सा कानून, किस कानून की बात कर रही है तू चपाती? तू जानती है किसके सामने खड़ी है? अगर मैं अपनी असलियत पे उतर गया ना, तेरी वर्दी की सारी गर्मी उतर जाएगी। औरत को नंगा करने वाला दुशासन भले ना बदला हो, द्रौपदी बदल गई। आज द्रौपदी में इतनी ताकत है कि वो अपना चीर बचाने के लिए दुशासन का जांगा चीर सकती है। माय डेट। सर ये यहाँ कैसे आई? हमें गाली देने। क्या विक्रम, अगर इसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ये नामुमकिन है क्योंकि वो दिखती छोटी जरूर है लेकिन है बड़ी पावरफुल। तो ठीक है, हम उसका ट्रांसफर अब गैर कानूनी ढंग से ही करवाऊंगा। Thank you.
भाई साहब, मेरी बेटी आपकी ज्योति का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, अपनी खुद की बेटी से भी ज्यादा। और एक बात की बहुत खुशी है कि एक आईपीएस ऑफिसर की शादी एक आईएएस ऑफिसर से हो रही है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपके भैया और भाभी इस दुर्घटना में गुजर गए। प्रियंका, मुझे तुमसे एक बात करनी है। नहीं मां, आज जो हालत मेरे सामने है उस हालत में मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, यदि की शादी करके उसके घर में जाऊं। तब तक मैं अपनी शादी का ख्याल दिल में भी नहीं ला सकता। तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मेरी ज्योति मुझसे खो गई। मैं जेल से भागकर यहां छुपने नहीं, ज्योति की तलाश में आया हूं। ज्योति को ढूंढने का काम अब मेरा है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगा। जब तक मुझे मेरी ज्योति मिल नहीं जाती, मैं इस अंधेरे से निकल नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन मैं इस मकसद में कामयाब हो गया, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। काली, मेरे पास उन तमाम मिनिस्टरों के खिलाफ सबूत है जिनकी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए उन तमाम मिनिस्टरों को बेनकाब कर दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अब तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सॉरी प्रियंका, इसमें गोलियां नहीं है। जब तक मुझे मेरी ज्योति मिल नहीं जाती, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। वल्ला वल्ला वल्ला, ये फिल्म का धंधा का बदला चिल्म का धंधा किया हुआ था, कितने अच्छे होते मेरे भाई। कौन है तेरा खबीस? पानी उड़ाया तेरा तो। अरे भैया माफ करना, वो गलती से हो गया। ये लो, ये छुट्टा रखो, चाय पी लेना। हाँ, अरे ये क्या दुर्गत बना रखी है। ओ, आप समझा, जरूर कोई कैरेक्टर रोल कर रहे हो, है ना। ओए कभी इसका बच्चा, ये सब तेरा मेहरबानी है। तू मेरे को 2 रुपए देता है, 2 कौड़ी का आदमी। मैं मुर्गी का धंधा किया कभी फेल नहीं हुई, बेकरी चलाया मैं फेल नहीं हुई। मैं साला दादागिरी का धंधा किया फेल नहीं हुई, ब्याज पे पैसा दिया फेल नहीं हुई। तू मेरा फिल्म बनाया मैं फेल हुई। हराम ज्यादा, ये खानदा भी पूरा सड़क पे लेके आया तुम। अरे सब ठीक हो जाएगा खान दादा, आपकी कोई चीज सड़क पर नहीं आएगी, धीरज रखो। मैंने आज ही सुभाष घई से बात की है। वो कौन है? अरे बहुत बड़ी पिक्चर बनाने वाला है, मैंने उससे आज ही बात की है और वो आपको अपनी अगली फिल्म में हीरो लेने के लिए तैयार हो गया है। हाँ, बस अब किसी तरह भी एक 10,000 रुपए अरेंज करके दे दो। कभी इसका बच्चा, मैं तेरा 10,000 टुकड़ा करेगा। 10,000 टुकड़ा, एक काम इधर आओ, थोड़ा सा आइए इधर आओ, मैं भी इंसान है यार। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? इधर थोड़ा सा इधर देखो भाई, इसमें देखो। हाँ,
क्या देखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी दिखा था मैं क्या। आज के बाद कोई खान का साथ ऐसा मजाक नहीं करेगा। सारा तुम्हारे को दो कौड़ी का बनाया, मैं तेरे को बावड़ी का बनाया रामजादे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, कालिया प्रियंका की मदद क्यों कर रहा है जबकि उसकी गिरफ्तारी का वारंट प्रियंका के हाथ में। सर इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। क्या ये? सर सर आप गौर से देखिए ना। सर ये जो है ना, ये एसीपी प्रियंका और कालिया के मंगनी की तस्वीर है। ओहो, तो ये दोनों ठोर मर्द और लुगाई हैं। बिल्कुल सही। अब मैं ये तस्वीर ले जाके कमिश्नर साहब को दिखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि आज तक एसीपी प्रियंका सिन्हा कालिया को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई है। भाई मदन, तुम तो कमाल कर दिए हो। अरे सर मैं कमाल करता ही रहूंगा, बस आपका ये जो हाथ है ना, ये मेरे सर पे रहना चाहिए बस। रखूंगा, हमेशा रखूंगा। एसीपी प्रियंका सिन्हा, तुम उसे एक मुजरिम की नजर से नहीं, अपने मंगेतर की नजर से देखती हो। और इस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं करता है, कोई जगह नहीं उसके लिए। लिहाजा मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं अभी और इसी वक्त।
ये पार्टी का नशा तो मेरे खून में उतर गया। अरे हाथ पैर तो छोड़ो, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। लेकिन हमका तो अभी तक नशा नहीं हुआ ना। क्यों, अब तो वो एसीपी प्रियंका भी सस्पेंड हो गई। तू तो सस्पेंड हो गई है, कालिया तो अभी तक जिंदा है ना। वो लड़की के साथ नाचते हुए हमारे दिमाग में एक और आइडिया आया है। क्या है? कालिया की एक प्रेमिका है प्रिया, अगर हम ऊ को उठवा लेना तो ऊ को बचाने जरूर आएगा। सर अगर ऐसी बात है तो कल ही उसे अरेस्ट कर लेता हूं मैं। मैडम यू आर अंडर अरेस्ट। मगर किस जुर्म में? हमें खबर मिली है कि कालिया के साथ आपका कुछ संबंध है। इंस्पेक्टर साहब आप जानते हैं आप किसकी बेटी को गिरफ्तार कर रहे हैं? मुझे न कुछ जानना है न पहचानना है, मेरे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो आप मिनिस्टर प्रताप सिंह से पूछें। चलिए मैडम आप चलिए प्लीज। तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं डैडी को अभी फोन कर रहा हूं। आप चलिए प्लीज, चलिए। डोंट वरी। हेलो हेलो सर, प्रिया बिटिया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या, क्यों? सर वो प्रिया बिटिया और कालिया के जो आपस में संबंध है ना, उस सिलसिले में पकड़ कर ले गए हैं। उस इंस्पेक्टर का नाम क्या है? इंस्पेक्टर का तो नाम नहीं मालूम, लेकिन सर वो आपके दोस्त है ना, वो मिनिस्टर प्रताप सिंह, उनके कहने पर लेकर गए हैं। सर प्लीज कुछ कीजिए ना। प्रताप सिंह, तुम्हारे चुनाव के पोस्टर हमारे पैसों से छपते हैं, तुम्हारी राजनीति हम जैसे उद्योगपतियों की रखेल है, हम ही उसकी नथ उतारते हैं। संतुष्ट हुए तो 5 साल तक रहने देते हैं, वरना 11 दिन में उठा के फेंक देते हैं उसे। ये ताना किसको दे रहा तू? ताना नहीं दे रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ प्रताप सिंह। क्या कह रहे हो तुम? चंदा और हवाला देकर तुम हम पर एहसान नहीं करते हो, उसके बदले में हम परमिट और लाइसेंस तुम्हारी झोली में डालता हूँ। और एक बात और याद रखना, अब हमारी सरकार है, शराफत से बात कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिरफ्तार करवाने की? अरे अरे मल्होत्रा साहब, आप गलत समझ रहे, ये तो कालिया को फंसाने की साजिश थी। सुना है कि आपकी बेटी कालिया से प्यार करती है, हमने सोचा कि प्रिया को अरेस्ट करवाएंगे तो कालिया उसे छुड़ाने आएगा और हम उसे मरवा देंगे, लेकिन साला आयच नहीं। आप फिक्र मत करो, मैं अभी इंस्पेक्टर को फोन करके प्रिया को छोड़ने के लिए कह देता हूँ। अभी इसी वक्त फोन करो। हाँ करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम दत्ता हियर। हाँ भवानी सिंह बोल रहा हूँ। बोलो। वो प्रिया को छोड़ दो। क्या? अरे हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दो। समझ गया। मैडम आप जा सकते हैं। कैसे पता चल गया कि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुमसे मिलती भी हूँ? उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और अचानक छोड़ भी दिया। ये सब पुलिस की चाल थी मुझ तक पहुंचने की। काली, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ हो, उस तरफ जाओ। अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना मैं गोली मार दूंगा। जी साहब। चलो।
चले। देखिए मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। आप पुलिस की फिक्र छोड़ दो, पुलिस को तो मैं संभालूंगी। आप अंदर तो चलिए। देखिए पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। अरे हुजूर ये मेरा आटा है, आप अंदर तो चलिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। ओहो हम सुनने सुनाने के अलावा और कुछ नहीं समझते। नहीं। सुनिए सुनिए देखिए सुनिए। शर्माइए मत। बेटी है। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे जाने दीजिए, ये मेरी बेटी है, मुझे जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दूँ जनाब, ये रंडी खाना है। बहन बेटी भतीजी यहाँ सब लड़कियाँ आने के पहले होती हैं, यहाँ आने के बाद सब रंडी होती हैं। छोड़ दो से। मुझे जाने दीजिए, ये मेरी बेटी है, मुझे जाने दीजिए। अरे जग्गू मंगू आओ फौरन, जाने ना भाई। छोड़ दो मेरी बेटी को।
मुझे दे दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो साहब। साहब, साहब, साहब मेरी बच्ची। अब कहाँ की बच्ची? जल्दी काम खत्म करके चले जाओ। आओ जल्दी काम खत्म करके चले जाओ। आओ जल्दी काम खत्म करके चले जाओ। आओ जल्दी काम खत्म करके आओ, आओ जल्दी काम खत्म करके चले जाओ। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई प्रिया, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। आओ जल्दी काम खत्म करके चले जाओ। ये सब कैसे हो गया रे? जाजू, ये सब कैसे हो गया? आपको बचाने के लिए मैं प्रताप सिंह और भवानी सिंह के पास मदद मांगने के लिए गई थी। उन्होंने मुझे वहां बेच दिया। हेलो भवानी सिंह, तेरे किए पापों की सजा तुझे आज मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अपने आप को बचा सके तो बचा ले। कौन बोला है? काली, काली चरण। हेलो, हेलो। सुना जी, अगर कालिया कहीं भी नजर आए तो खत्म कर दो। अच्छा, नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते, नमस्ते जी। मेरी बोली बाली जनता, नमस्कार। मुझे दुख है कि आपसे वोट लेने के बाद 5 साल के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को भूल गया, बल्कि इन 5 सालों में मुझे 5 बार हार्ट अटैक हुआ, मगर मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। इसीलिए नहीं कि मैं अमेरिका जाकर के इलाज करवाया, बल्कि इसलिए जिंदा हूं कि आप लोगों के दुआएं और प्यार मेरे साथ है। हरामजादे, ये लोगों का प्यार या दुआएं नहीं, ये दिल्ली की सियासी रबड़ी का असर है, वरना 5 झटके में तो सुअर भी नहीं बचता।
लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए ना, किसी की इज्जत प्यार मोहब्बत उम्मीदों से कोई वास्ता नहीं है ना। आज उस कुर्सी के साथ तेरा राम नाम संपन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, भाई भवानी सिंह को कोई नहीं मार सकता। पक्का है तू? झूठ बोल रहा है तू? कहते कि सब गलत है, कहते गलत है। भाई जी सच है, और वो कालिया आपको भी 24 घंटे में खत्म कर देगा। तुम लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। ओके सर। सर, सरकार ने हमें आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। प्रोटेक्शन? हमारी प्रोटेक्शन? इंस्पेक्टर, हम किसी मिनिस्टर की बेवा औरत नहीं हूं जिसे बॉडीगार्ड की जरूरत है। कालिया प्रताप सिंह को छू भी नहीं सकता। हम जानता हूं हमको क्या करना है। कालिया, कैच मी इफ यू कैन। हम जानता था तुम यहाँ आएगा, इसलिए हम त्योहार के लिए यहाँ एक तोहफा भी रखा हूँ। चाचू, काली, चाचू बचा, हमें बचाओ। रुपए रुपए में बिकी है ये रंडी खाने में, फिर भी तू इसे बहुत मोहता है। हरामजादे, तीर बन के चुबा है तू यहाँ हमरे दिल में। कितने टुकड़े करूंगा तेरे, उतने युगों तक भाई भवानी की आत्मा को शांति मिलेगी। तू क्या मेरे टुकड़े करेगा हरामजादे? टुकड़े तो मैं तेरे करूंगा। वो जज होता है जो फैसला सुनाने के बाद कलम तोड़ता है। हम कलेक्टर थे, गला काट देंगे लेकिन तलवार की धार नहीं जाने देंगे। अच्छा, सेव देम If you can. चाचू खाली, ये वर्दी पहनने का हक किसने दिया तुझे? तेरी गद्दारी की वजह से मेरी ये वर्दी उतरी थी, लेकिन मेरी ईमानदारी ने तुझे अरेस्ट करने के लिए ये वर्दी लौटाई है। नाउ मूव इट, मूव इट। Thank you.
क्यों? और मैं आ गया, इस तरह ये दिल तुम पे आ गया।